Hi everyone, welcome to an Academy UGC NET. Very good afternoon. Very good afternoon. सॉरी गाइज, हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है सभी दोस्तों का. हाय एवरीवन. ओके, तो अच्छा, ऑब्वियसली टीजीटी पीजीटी के लिए भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो सेम ही होता है, तो ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज कृतिका एंड आई टीच इन एनटीयू यूजीसी नेट कैटेगरी. और आज क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्राइडमैन का कोर पेरिफेरी मॉडल. क्या मॉडल है, क्या है, बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे. उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, दिस टीचर्स डे इज गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल टीचर्स डे फॉर एवरी लर्नर, क्योंकि इस टीचर्स डे को अन अकेडमी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली है. क्या सरप्राइज है, इसके लिए आपको अन अकेडमी में 5 सितंबर को शाम को 6 बजे इसी चैनल पे लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है प्रोग्राम की. तो क्या है अनअकैडमी 1, उसके बारे में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी. तो 5 सितंबर को मेरे साथ में, क्योंकि मैं भी आऊंगी, मेरे साथ में आप इस चैनल पे आना मत भूलिएगा. तो एज यू ऑल नो कि हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है फ्राइडमैन का कोर पेरीफेरी मॉडल. बट एक समझ में चीज ये आनी चाहिए कि आखिर कोर पेरीफेरी मॉडल आया कहाँ से है, क्या चीज है. कोर पेरीफेरी मॉडल बेसिकली रीजनल डिस्पैरिटी के लिए बात करता है, मतलब क्षेत्रीय असमानता. क्षेत्रीय असमानता आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक इंसान है जिसके पास में बेसिक नीड्स भी नहीं है और दूसरा इंसान वो है जो लग्जरी से नीचे नहीं उतर रहा है. तो कहीं ना कहीं एक के पास में जो होना चाहिए, जितना होना चाहिए उससे बहुत कम है, और एक के पास में जितना है, जितना होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको असमानता देखने को मिल रही होगी. तो जो रीजनल डिस्पैरिटी होती है या जो रीजनल अनबैलेंस थ्योरी होती है, उसमें अलग अलग थ्योरीज हैं. उसी की एक थ्योरी है जिसका नाम है कोर पेरिफेरी मॉडल, जो कि फ्राइडमैन ने दिया था. फ्राइडमैन बेसिकली एक रीजनल प्लानिंग के प्रोफेसर थे ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में. इन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा किताबें लिखी थी, और साथ ही साथ इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो काम किया था वो फ्राइडमैन कोर एंड पेरीफेरी मॉडल के ऊपर किया था. इनकी जो इंपॉर्टेंट किताब थी उसका नाम था द प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन, जो कि 1987 के अंदर पब्लिश करी गई थी सबसे पहले. तो चलिए, क्या है रीजनल डिस्पैरिटी या रीजनल इम्बैलेंस, हम किसे कह सकते हैं. तो रीजनल इम्बैलेंस बेसिकली उस चीज को कहा जाता है जहां पे आर्थिक आधार पे बहुत ज्यादा असमताएं देखने को मिलती हो. अब जहां आर्थिक आधार आ जाता है, वहां पे आर्थिक आधार हो गया, सोशली हो गया, टेक्निकली है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस जहाँ पे देखने को मिले उसे हम क्षेत्रीय असमानता कहते हैं. ठीक है, तो इन्हीं से रिलेटेड कि कैसे किसी जगह पे क्षेत्रीय असमानता हो सकती है, कि ऐसा क्या रीजन रहा कि आज मुंबई इंडिया की कैपिटल बन गया है, मुंबई इंडिया की फाइनेंस कैपिटल बन गया है, और मुंबई से मान लीजिए कि 200 किलोमीटर दूर एक कोई गांव है, वो वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं है. तो ये जो 200 किलोमीटर में इतना जो डिफरेंस आया है कि पूरे इंडिया से लोग मुंबई में माइग्रेट कर रहे हैं, मुंबई में आके रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बन चुका है एक कोर एरिया और ये है उसका पेरीफेरी. तो कोर पेरिफेरी मॉडल बताता है कि कैसे रीजनल इम्बैलेंस होता है या रीजनल डिस्पैरिटीज आती है. एक बार जल्दी से सभी दोस्त शेयर कर दो क्लास को, तभी मजा आएगा, नहीं पढ़ने में कोई मजा नहीं है. क्लास नहीं शेयर नहीं करोगे तो जल्दी से एक बार शेयर करके आ जाइए. वेरी गुड आफ्टरनून. सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का मॉडल, कि आखिर अपना मॉडल क्या कहता है. तो सबसे पहले रीजनल इम्बैलेंस क्या होता है वो आपने जान लिया. रीजनल इम्बैलेंस किसी जगह पे क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत कारण है. जैसे हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, मान लीजिए कि कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन हो गया, पार्टीशन हो गया,
इंडिया पाकिस्तान में पहले आपको पता होगा कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, आफ्टर पार्टीशन पॉपुलेशन कम हो गई। उसके बाद में हिस्टोरिकल फैक्टर्स में अगर देखा जाए कि पुराने टाइम में कहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले आकर के अपना बसाया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली ईस्ट इंडिया के अंदर आई थी, और सबसे पहले जो कैपिटल थी इंडिया की वो भी कलकत्ता थी, लेकिन आज की डेट में दिल्ली है। रीजन क्या था आज कलकत्ता का इतना डेवलपमेंट होने का? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहीं पर आकर के अपनी काम की शुरुआत करी थी। साथ ही साथ सोशल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि जेंडर इनइक्वालिटी और एजुकेशन एंड लिटरेसी। पॉलिटिकल फैक्टर के अंदर कहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा है, कहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा है, लैंड रिफॉर्म्स कहाँ पे कैसा है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर आपके कोस्टल रीजन्स है या डेजर्ट रीजन है, आप प्लेन मैदानों में रह रहे हैं या पहाड़ी इलाकों के अंदर रह रहे हैं। और इकोनॉमिक फैक्टर में कि इंडस्ट्रीज कैसी है, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, साथ ही साथ एजुकेशन फैक्टर्स हो सकते हैं। मतलब मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं अपने इंसान के एक जगह से दूसरी जगह पे रहने के लिए। आज लोग, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो बड़े बड़े मेगा सिटीज होती है, मेगा सिटीज के अंदर जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर आपको घर नहीं मिलेगा कि आपकी जमीन है, आपकी छत है, खुला घर नहीं मिलेगा आपको, वहां पे सिर्फ फ्लैट्स मिलेंगे। फ्लैट्स की रेट भी क्या होगी कि 2-4 करोड़ से तो फ्लैट्स की रेट स्टार्ट होती है। अगर आपको एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट मिल रहा है तो 35 CR तक भी आपके फ्लैट जाते हैं, 90 करोड़ तक में भी फ्लैट जाते हैं, अरबों रुपए के फ्लैट्स वहां मिल रहे हैं। लेकिन हमको इतना पता है कि ये फ्लैट्स क्या है, ये एक ब्लॉक मिलेगा हमको कि जहां पर हम रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जो डिमांड है वहां पे वो बहुत ज्यादा है। आप देखिए कि 1 करोड़ में आप गांव में बहुत ज्यादा जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन मुंबई में आपको सिर्फ 3 BHK फ्लैट भी मिल जाए तो बड़ी बात है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो मुंबई जो है वो एक कोर एरिया है जहाँ पे सेंटर है सुविधाओं का, सोर्सेस का सेंटर है वो, तो इंसान को हर चीज वहां पे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, इसी तलाश में वो वहां जा रहा है। गाँव में उसको बहुत कुछ खुलापन माहौल मिलेगा, लेकिन उसे वो सुविधाएं नहीं मिलेगी, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल सुविधाएं हो, ज्योग्राफिकल सुविधाएं हो, या फिर इकोनॉमिक सुविधाएं हो, कुछ वहां नहीं मिलेगी। तो इन बहुत सारे रीजंस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से रीजनल इनबैलेंस आ जाता है। रीजनल इनबैलेंस आने को लेकर के जो आपके फ्राइडमैन सर थे, उन्होंने एक नया मॉडल डेवलप किया था जिसे कहा जाता है कोर पेरीफेरी मॉडल, जो 1966 के अंदर सबसे पहले ये आया था। कोर पेरीफेरी मॉडल में सबसे पहले कोर वर्ड को समझना जरूरी है। कोर और पेरीफेरी क्या होता है? तो कोर हम उस जगह को कहते हैं जो सेंटर है हर चीज का, जैसे कि इंडिया में दिल्ली एक कोर जगह है क्योंकि वहां पे हर कोई सेंट्रलाइज्ड है। पेरीफेरी दिल्ली के आसपास की वो जगह जिन्होंने पुश किया था दिल्ली में सेंट्रलाइज होने के लिए। तो बिना पेरीफेरी के कोर का डेवलपमेंट मुश्किल है, ऐसा फ्राइडमैन अपनी थ्योरी के अंदर कहते हैं। देखिए क्या थी फ्राइडमैन सर की थ्योरी? तो फ्राइडमैन सर की जो कोर पेरीफेरी थ्योरी थी वो ये अज्यूम करती है कि किसी भी जगह का डेवलपमेंट वहां के कुछ फेवर्ड रिसोर्सेस की वजह से या फेवर्ड कंडीशन की वजह से होता है, चाहे वो आप नेशनल लेवल पे देख लीजिए या फिर इंटरनेशनल लेवल पे देख लीजिए। कोई भी जगह डेवलपमेंट इस जगह पे ज्यादा होता है जहां वो अपने चारों तरफ अनडेवलप्ड चीजों से घिरी हुई हो। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 गांव है, ठीक है, और उनके बीच में एक गांव है, तो हाईली चांसेस ये है कि 6 गांव के बीच का जो सेंटर होगा ना, यहाँ पे कोर डेवलप हो जाएगा और ये जो 6 गांव होंगे ये पेरीफेरी कहलाएंगे। तो यही बात माननी थी कि जो भी लोकेशन आज की डेट में, चाहे आप मुंबई देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, या आपका शहर जहां आप रहते हैं वहां पे, आपने मान लीजिए कि आप यूपी में रहते हैं तो आप सोचते होंगे कि लखनऊ बहुत अच्छी जगह है, मैं राजस्थान में हूं तो मैं सोचती हूँ कि जयपुर में कॉन्सेंट्रेट, जयपुर में लोगों का जो जमाव है वो बहुत ज्यादा है। तो क्योंकि जो भी जगह जो आज की डेट में जिसे हम कहते हैं कि ये डेवलप्ड है, उसको वो कोर बन गया है, तो उसका जो रीजन है वो ये है कि वो जो कोर रीजन था एक टाइम पे वो ज्यादातर अनडेवलप्ड चीजों से घिरा हुआ था, ठीक है, और उन वो जो अनडेवलप्ड चीजें थी जो उसके चारों तरफ अनडेवलप्ड जो लोकेशन थी, ठीक है, उन्हीं के लोगों को क्या किया गया, जो सेंट्रल चीज थी या जो सेंट्रल प्लेस था उसने क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट जैसे जैसे करते गए वहां पे चीजों का जमाव होता गया, और जमाव होने के बाद में रिजल्ट हमारे सामने ये आता है कि सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ये साफ बात है कि कहा गया है कि एज वी मूव टुवार्ड्स द पेरीफेरी द मैग्निट्यूड ऑफ द फिनोमेन डिक्रीज बिकॉज देयर इज द नेचुरल लॉ ऑफ सेंट्रलाइजेशन। परिधि की तरफ बढ़ते हैं, मान लीजिए कि ये आपकी कोर जगह है, कोर से आप जा रहे हैं परिधि की तरफ, ठीक है, तो जितनी सुविधाएं आपको कोर में मिलेगी, दूर जाते वक्त आपका जो परिणाम होगा वो घट जाएगा क्योंकि ये केंद्रीकरण का प्राकृतिक नियम है। जो सुविधाएं आज आपको मुंबई में मिलेगी वो सुविधाएं आपको शायद ही आपके गाँव में मिलेगी क्योंकि आप मुंबई से बहुत दूर चले गए, या जो सुविधाएं शहर में मिलेगी वो गांव में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन में कमी आती जाएगी, एंड दिस इज द नेचुरल लॉ। इस प्रकार जो कोर है वो परिधि से विकसित है जो क्षेत्रीय असंतुलन की ओर ले जाती है, ठीक है।
चलिए, तो इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं। यहां पर आप देखिए, ये एक पर्टिकुलर जगह है जिसे हम कहते हैं कोर। सामान्य भाषा में इसे कह सकते हैं शहर। शहर में क्या है? एजुकेशन है, इकोनॉमिक सुविधाएं हैं, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, और पॉलिटिकल पावर भी शहरों में ज्यादा चलता है, तो सारी चीजें हैं यहाँ पे। तो इसी वजह से ये कोर बन गया है। कोर में क्या है? सेंट्रलाइजेशन है हर तरह के रिसोर्सेस का। अब ये जो सेंट्रलाइजेशन है, ये आ कहाँ से रहा है बेसिकली? मैं आपको ये कहूँ कि कौन है जो इसको सेंट्रलाइज कर रहा है? आज दिल्ली को इतना बड़ा बनाने वाला, या दिल्ली के अंदर जो इतना हब क्रिएट किया है, वो किसने किया है? दिल्ली के लोगों ने तो नहीं किया है, यानी कि आसपास के लोग भी उसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थे। तो इसका मतलब जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है चीजों का, वो पेरीफेरी से निकल के आया था। ठीक है, समझिए। मानिए कि ये एक शहर है, ठीक है, दिस इज दी सिटी, और आप रहते हैं यहाँ पे, ठीक है, विलेज, और एक विलेज है यहाँ पे, एक विलेज है यहाँ पे, और एक विलेज है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ये कहूँ आपको कि ये सिटी है, यहाँ से आपका जो पलायन होगा, लोग जो जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? क्या वो एक गांव से दूसरे गांव में जाएंगे, या फिर उनकी कोशिश होगी कि चलो अच्छी सुविधाएं अगर चाहिए तो हम कहाँ जाएंगे, सिटी के अंदर जाके रहेंगे। कंपटीशन की तैयारी करनी है, दिल्ली जाके रहेंगे। एसएससी की तैयारी करनी है, दिल्ली जाके रहेंगे। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, वो कहाँ से कर रहे हैं? वो आपके डिसाइड हो रहे हैं पेरीफेरी से कोर की तरफ। तो हमेशा याद रखना, जो रीजनल इम्बैलेंस स्टार्ट होता है, वो पेरीफेरी से, वो कोर से पेरीफेरी होता है, और कोर बनाने का जो काम किया जाता है, वो पेरीफेरी करती है, क्योंकि वहीं के लोगों ने उस चीज को उतना डेवलप किया था। ठीक है, तो ये था अपना एक पर्टिकुलर सा सेगमेंट। अब समझने वाली बात ये है कि कैसे हम इस मॉडल को समझे। कोर और पेरिफेरी समझ में आ गया। कोर मतलब सेंट्रलाइजेशन जहां ज्यादा है, पेरिफेरी जहां से सेंट्रलाइजेशन हो रहा है या जहां से लोग पलायन कर रहे हैं। इस मॉडल को उन्होंने क्या बोला, चार स्टेज में समझाने की कोशिश करी। पहले कोर और परिधि के बीच में बदलाव में सुझाव देता है। सबसे पहला आता है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी विद लोकलाइज्ड इकोनॉमी। सेकेंड आता है द डेवलपमेंट ऑफ कोर एंड पेरिफेरी। फिर डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एज कंट्रोल इन टू सर्टेन पार्ट ऑफ द पेरिफेरी। एंड द फोर्थ इज द इमरजेंस ऑफ स्पेशल इंटरग्रेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी की। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी हम किसे कहेंगे, कि सबसे पहले आखिर हुआ कैसे, ये कोर पेरिफेरी बना कैसे? तो इनका ये बोलना था कि जो पहले, सबसे पहले हर जगह बहुत ही कॉमन थी, कहीं कोर नहीं था, कहीं पेरिफेरी नहीं था, एवरीथिंग वाज वेरी न्यूट्रल। तो नो एनी इंडस्ट्री। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब फर्स्ट स्टेज में कोई इंडस्ट्री नहीं थी, सारी की सारी एग्रीकल्चर सोसाइटी थी। लैंडलॉर्ड इन्फ्लुएंस था, लगान प्रथा चलती थी। मान लीजिए कि सबके सब क्या करते थे, खेती करते थे, और जो मकान मालिक या जो राजा होता था, वही राजा कहलाता था। इक्वल डेवलपमेंट इन ऑल रीजन एंड नो रीजनल इम्बैलेंस। इसका मतलब यहाँ पे सब सेम था, कोई जगह ज्यादा हावी नहीं थी। नो कोर एंड पेरीफेरी डेवलपमेंट, कोई पेरीफेरी डेवलपमेंट नहीं था। मान लीजिए कि यहाँ पे 6 प्लेसेस हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ, राइट? तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कोर है, कौन सा पेरीफेरी है? कहीं नहीं पता चलेगा, क्योंकि इनकी सबकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सेम है, साथ ही साथ जो अर्निंग कैपेसिटी है वो भी सेम है। तो जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी सेम है, और मतलब आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों जब सेम है, तो नो कोर एंड पेरीफेरी। इसका मतलब ये एक समान क्षेत्र है। मतलब आप इमेजिन कर लीजिए कि आज के 300 साल पहले या 400 साल पहले आपका जो शहर था, वो क्या रहा होगा? बिल्कुल बराबर रहा होगा। आपने अपने कई बार अपने दादाजी से या अपने पापा से सुना होगा कि देखो आज तो फिर भी वहां पे उतनी ज्यादा लोग रहने लग गए, एक टाइम पे तो जंगल था वहां पे, डर लगता था जाने में। कई बार आपने किसी ना किसी के मुंह से तो सुना ही होगा कि अब तो वहां पे रोड भी आ गई, पानी भी आ गया, पहले सुविधाओं की बहुत कमी थी। तो फ्राइडमैन अपनी जो थ्योरी है, उसमें सबसे पहले यही बताते हैं कि ये एक प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, जहां पे सब कुछ बहुत ही नॉर्मल हुआ करता था। इसके बाद में जो सेकेंड स्टेप आती है, इसमें डेवलपमेंट होता है कोर और पेरीफेरी का। ठीक है, मान लीजिए कि जो कोर एरिया है, उसमें क्या होने लगती है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस होने लगती है, टेक्निकल एडवांसमेंट होने लगता है, इनोवेशन होने लगता है, इंडस्ट्रीज आती है, वस्तुएं आने लगती है, और कम्युनिकेशन की फैसिलिटी बढ़ने लगती है। और जो पेरिफेरी एरिया होता है, वो रॉ मटेरियल का एरिया रह जाता है। जैसे हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ए बी सी डी एफ सब कुछ नॉर्मल था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये बीच वाला जो प्लेस था ना,
अब हो सकता है यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर में रही हो या कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज फेवर में रही हो, तो इस वजह से यहाँ पे लोग अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इन 6 प्लेसेस में से कोई भी एक जगह पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब मैं कहूँ कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगानी है, तो इंडस्ट्रीज को सबसे इंपॉर्टेंट होता है रॉ मटेरियल एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो आसपास के जो क्षेत्र थे ना उसके ही बराबर वाले, वहां पे क्योंकि रॉ मटेरियल था तो वो क्या करने लगे, इन्हें रॉ मटेरियल की सप्लाई करने लगे। ठीक है, यहाँ के ऊपर आपके लेबर जाने लगे कि चलो ठीक है उस जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है तो हम भी वहां पे चलते हैं। तो अपने आप यहाँ पे जो पॉइंट था ना, एफ पॉइंट, वो यहाँ पे क्या बन जाता है, कोर बन जाता है। और उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले ए बी सी डी और ई, सॉरी एफ, क्या बन जाते हैं, पेरीफेरी बन जाते हैं, राइट। ये थी उनकी दूसरी स्टेज। अब बात करते हैं उनकी सेकंड थर्ड स्टेज की। अब थर्ड स्टेज में क्या हो रहा है, डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू द पेरीफेरी। ड्यूरिंग दिस स्टेज द कोर रीजन इज नॉट एबल टू फुलफिल ऑल द डिमांड एंड हेंस स्प्रेड ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैपेंस अराउंड द कोर। अब क्योंकि धीरे धीरे कोर एरिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा था तो लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो बन गया था, बट एक टाइम बाद में ऐसा हुआ कि कोर एरिया संभाल नहीं पाया इतने ज्यादा लोगों के डिमांड्स को। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, कोर एरिया का जो स्प्रेड था ना, कि ठीक है मेरे पास में 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं, कोई बोले कि देख भाई मैं 100 रुपए कमाऊंगा पर मेरे पास में टाइम नहीं है, तो एक काम कर तू भी ये काम कर ले और तू भी कर ले, तुम सबको मैं 20-20 रुपए दे दूंगा, मैं 80 कमा लूंगा लेकिन 20-20 रुपए तो तुमको भी मिल जाएंगे। कुछ लोग नहीं करते कि ठीक है आपने किसी को एक ऑर्डर दिया अपने काम का कि ठीक है भैया हमारे को 1,000 लोगों का खाना बनवाना है, तो मान लीजिए कि उसके पास में ऐसे दिन के 25 ऑर्डर थे, तो वो 25 ऑर्डर थे तो 1,000 1,000 लोगों का वो तो नहीं बनवा सकता, तो वो क्या करेगा अपने ऑर्डर को अपने दोस्तों को दिलवा देगा कि देख इतनी बजे का टाइम है इतनी बजे दे देना। अगर उन 1,000 रुपए का 1,000 लोगों का खाना बनाने के उसने अगर 1 लाख रुपए लिए तो वो क्या करेगा इनको दे देगा कि देखो भाई तुम्हें मैं 50,000 रुपए दूंगा 1,000 लोगों का खाना बना के देना है। तो क्योंकि वो तो था कोर, उसके पास सब कुछ था लेकिन उसने क्या किया अपने काम को डाइवर्ट कर दिया बाकी जगहों पे। तो सेम चीज यहाँ हो रही है कि कोर मॉडल के अंदर, कोर में बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो चुका है, तो अब वो क्या कर रहा है अपनी इतनी डिमांड्स को वो फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो वो अपने आसपास के एरियाज को डेवलप कर रहा है। आपने देखा होगा कि आप जिस एरिया में रहते हैं, या मान लीजिए कि जैसे राजस्थान में जयपुर के मैं एग्जाम्पल दूँ, तो जयपुर एक तरह से कोर एरिया है क्योंकि यहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है, वहीं पे फ्लैट्स भी बन रहे हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज भी बहुत आ रही है। क्यों, क्योंकि जो मेन जयपुर सिटी थी वो कंजस्टेड होती जा रही है धीरे धीरे, अब जरूरत है कि बाहर थोड़ा बढ़ा जाए, तो अब वहां पे भी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया है। तो ये आती है आपकी थर्ड स्टेज, जिसमें कोर मॉडल, कोर जो जगह थी उससे अब धीरे धीरे जो विकास है वो आसपास की पेरीफेरी एरिया में भी होने लगा है। इसके बाद में फोर्थ स्टेज ये आती है, द इमरजेंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। इमरजेंस ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन मतलब ड्यूरिंग दिस स्टेज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ कोर एंड सब कोर एरिया पेरीफेरीज नियरली एलिमिनेटेड, इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन कैन बी सीन। ऑब्वियस ही बात है कि अब धीरे धीरे क्योंकि कोर एरिया से डेवलपमेंट बाकी जगह पे जाने लगा था तो धीरे धीरे वो भी डेवलप होने लगे, और अब पेरीफेरी जैसी चीज बहुत कम रह गई है, उसके सभी एरिया लगभग लगभग डेवलप्ड हो गए हैं। इस अब ये जो 4 स्टेज हमने समझी है इसको एक अच्छे एग्जाम्पल से समझिए। आपने मानिए कि आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन था, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई एक पर्सन था और वो पर्सन ने क्या किया, कोई भी आपकी फैमिली में एजुकेटेड नहीं था, ये पर्सन आपकी फैमिली में एजुकेशन को परस्यू करते हैं, इन्होंने एजुकेशन ली। एजुकेशन लेने के बाद में अब क्योंकि पहले कोई भी एजुकेटेड नहीं था फैमिली में, तो वो एक थी फर्स्ट स्टेज की एवरीवन वाज अनएजुकेटेड। सेकेंड स्टेज में क्या हुआ, आपकी फैमिली के 4 लोग थे, 4 में से 1 व्यक्ति ने एजुकेशन ले ली, तो कहीं ना कहीं ये वाला जो व्यक्ति था ना इसे हम कहेंगे कि दिस इज द एजुकेटेड पर्सन एंड द रिमेनिंग 3 पर्सन आर अनएजुकेटेड। इसके बाद में थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, अब ये पर्सन इन सभी को क्या देने की कोशिश कर रहा है, एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है। तो दिस इज द थर्ड स्टेज कि अब ये अनएजुकेटेड नहीं कहलाएंगे, अब इनको हम कह सकते हैं कि दीज आर द लिटरेट पर्सन। ओके, फोर्थ स्टेज तक आते आते क्या होगा कि ये जो 4 व्यक्ति थे ना, क्योंकि इनको अब एजुकेशन मिल चुकी है, तो अब इन 4 ही व्यक्तियों के पास में क्या आ चुकी है, एजुकेशन आ चुकी है। अब इस वक्त कोई भी अनलिटरेट या अनएजुकेटेड नहीं है, सभी के पास में अपनी अपनी एजुकेशन मिल चुकी है। आई बात समझ में, आई होप ड्राइंग अच्छी लगी होगी आपको। अब 4 के 4 क्या हो गए हैं,
ऑल आर एजुकेटेड, राइट, ऑल आर एजुकेटेड. तो पहली स्टेज में क्या था, पहली स्टेज में एवरीवन वाज अनएजुकेटेड, ठीक है. सेकंड स्टेज में वन पर्सन टुक द एजुकेशन, थर्ड स्टेज में वो सबको एजुकेट करने की कोशिश करता है, फोर्थ स्टेज में सब एजुकेटेड हो जाते हैं. इसी को अब आप सेम अप्लाई कीजिए कोर पेरिफेरी मॉडल के साथ में. कोर पेरिफेरी मॉडल में क्या हो रहा है कि पहले एक लेवल आता है प्री इंडस्ट्रियल, जिसमें मान लीजिए कि यहाँ पे देयर आर थ्री सिटीज, सिक्स सिटीज, सारी की सारी क्या थी, सेम थी. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, एक सिटी ऐसी आती है जिसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और वो अपने आसपास के जो क्षेत्रों से रॉ मटेरियल लेता है. थर्ड स्टेज में ये होता है कि क्योंकि इस पॉइंट को, इस जगह के पास में इतना ज्यादा काम आ जाता है कि अब ये क्या करता है, थर्ड स्टेज में आते आते अपने आसपास के लोगों को काम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है. और फोर्थ स्टेज तक आते आते ये चारों भी सेम डेवलप्ड हो जाते हैं. इसी को हम फ्रेडमैन का कोर पेरिफेरी मॉडल कहते हैं. आई डोंट थिंक किसी को इसमें कोई डाउट है, अगर है तो आराम से खुल के पूछिए. ओके मैम, ऐप वाला क्लास कब लेंगे? देखिए सोमा, ऐप का क्लास अपना स्टार्ट हो चुका है, प्लस कोर्स जो कि मैंने स्टार्ट कर दिया है उसकी क्लास मॉर्निंग में होती है 10:30 AM. आप उस क्लास में जुड़ सकते हैं. स्पेशल क्लासेस अभी मैं ले नहीं रही हूँ क्योंकि मेरी प्लस की क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा हैं इस मंथ में, तो स्पेशल क्लासेस तो वीकली बेसिस पे आपकी होगी, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी. चलिए, सो ये आपके सामने चार स्टेजेस आ गई. अब इनको हम बहुत अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं. कोर एरिया कांट बी, अब स्टेज वन क्या होती है कि कोर एरिया कांट बी डिफरेंशिएटेड सो मेनी रीजन एनक्लेव एग्जिस्ट इन वन रीजन, कि सबसे पहले हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा कोर एरिया बनेगा. आज के अगर हम बहुत सालों की पहले की बात करें तो हम नहीं कह सकते थे कि मुंबई इतना बड़ा हब बन जाएगा या दिल्ली इतना बड़ा हब बन जाएगा. स्टेज टू ये आती है कि सिंगल कोर फेवर्ड बाय डिफरेंट फैक्टर टू ग्रोथ बिकम ए स्ट्रॉन्ग कोर, कि फिर कोई एक एरिया चूज किया जाता है कि चलो ठीक है यहाँ पे अपन इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल एंड लेबर प्रेफर टू मूव टू कोर लिविंग अ लार्ज पेरिफेरी, बाकी के एरिया से लोग आने लगते हैं. स्टेज थ्री के अंदर आते आते बहुत ज्यादा जगह जो होती है वो डेवलप हो जाती है. मेनी सेक्टर्स कर्व डेवलप एडजेसेंट टू द मेन कोर मेनली ड्यू टू द स्प्रेड इफेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफ गुड़गांव, गुरुग्राम, फरीदाबाद एंड नोएडा अराउंड दिल्ली. तो आप ये कह सकते थे कि दिल्ली जो था वो एक कोर रीजन है. धीरे धीरे, मतलब पहले दिल्ली बिल्कुल नॉर्मल था, बाद में वो कोर रीजन बना. अभी जो मैं आपसे ये पूछूं कि गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा, वो क्योंकि मान लीजिए कि गुड़गांव आ गया यहाँ पे, फरीदाबाद आ गया यहाँ पे, नोएडा आ गया यहाँ पे, इन सभी के अंदर ये कौन सी स्टेज का पार्ट है? अभी अगर अभी बात करी जाए तो गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा जो दिल्ली की सर्विस को ले रहे हैं या दिल्ली को सर्विस दे रहे हैं, अभी ये किस स्टेज का पार्ट है, कोई बता सकता है? क्योंकि मैंने समझाया तो है, आप लोग बता तो सकते हो. थोड़ा सा आंसर कीजिए, थोड़ा सा क्लास को इंटरैक्टिव बनाइए. बताइए कौन सा पार्ट ये माना जाएगा कि ये किस स्टेज के अंदर है अभी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? देखिए ये आता है आपके थर्ड स्टेज के अंदर, क्योंकि पहली स्टेज में तो कुछ था ही नहीं, सेकंड स्टेज में एक छत्र राज था, थर्ड स्टेज के अंदर आसपास के क्षेत्र बन चुके थे, फोर्थ स्टेज में आने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा. गुड. तो फोर्थ स्टेज मेट्रोपॉलियन पेरिफेरी वैनिश एज दे आर ग्रेजुअली एब्जॉर्ब इन टू द एक्सपेंडिंग इकोनॉमी, नाउ स्प्रेड इफेक्ट एज वेल एज लोकल एंड नेशनल बैकवॉश इफेक्ट मेंटेन एंड इक्विब्रियम, देयर इज अ ग्रेटर नेशनल इंटरचेंज एफिशिएंसी इन लोकेशन पीक ग्रोथ पोटेंशियल एज द सिटीज आर इंटीग्रेटेड विच लीड्स टू ग्रेटर फंक्शनल इंडिपेंडेंस. ओके, तो अब धीरे धीरे क्या हो चुका है, पेरीफेरी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है. तो ऑल ओवर जो अपना मॉडल था उसको हम एक बार आपको मैं फिर से समझा देती हूँ और इससे आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा. सबसे पहले एक स्टेज होती है जिसमें सारी जगह इक्वल होती है, कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पे, ना इंडस्ट्री थी, सिर्फ एग्रीकल्चर था और लैंडलॉर्ड का राज हुआ करता था. तो ये थी अपनी फर्स्ट स्टेज. सेकंड स्टेज में क्या होने लगा, कोई भी एक जगह, इन पांच जगह में से इस एक जगह को मान लीजिए कोर बना दिया गया. अब यहाँ पे क्या होने लगा, इन्वेस्टमेंट होने लगा. अब इन्वेस्टमेंट होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, तो क्या हुआ, आसपास के लोग अट्रैक्ट होने लगे इस जगह पे और यहाँ पे आके अपना काम स्टार्ट करने लगे. तो ऑटोमेटिकली जो सेंटर इलाका था वो बन जाता है कोर और साइड के ये दो इलाके बन जाते हैं पेरिफेरी.
थर्ड स्टेज में क्या होता है, कोर एरिया के पास में इतना ज्यादा काम आ जाता है कि वो अब क्या करने लगता है, धीरे धीरे अपने काम को बाहर की तरफ बढ़ाने लगता है। देख रहे हैं आप, अब क्या होने लगा है कि पहले जहां सिर्फ वो सर्विस ले रहा था, अब वो अपनी सर्विस देने भी लग रहा है, तो बाहर की तरफ वो बढ़ाने लगता है। और फोर्थ स्टेज ऐसी होती है जिसमें पेरिफेरी रीजन बहुत कम रह जाता है और मल्टीपल कोर रीजंस डेवलप हो जाते हैं। तो ये था फ्राइडमैन का कोर पेरिफेरी मॉडल। अगर आपको इनमें कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीवन, किसी को कोई डाउट है कि समझ में नहीं आया हो? फ्राइडमैन का कोर पेरिफेरी मॉडल इजिएस्ट मॉडल्स में से एक है। अब देखिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में एक बार देख लें कि जॉन फ्राइडमैन से रिलेटेड आपको आपके एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है। तो देखिए, इनका नाम था जॉन फ्राइडमैन। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये एक रीजनल जियोग्राफी के प्रोफेसर थे। कहाँ पे? ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके बाद में इनकी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो बहुत है, मतलब इनकी जो एक इम्पोर्टेंट बुक और एक इनका लेक्चर, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। किताब का नाम था इनका प्लानिंग इन द पब्लिक डोमेन। किताब आती है इनकी 1987 के अंदर, ये किताब इनकी लॉन्च हुई थी 1987 के अंदर। और एक इनका पेपर भी था, सॉरी, एक इनका एक आर्टिकल भी था, द वर्ल्ड सिटी हाइपोथेसिस। ओके, बस ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। चले गया, कोई बात नहीं। व्हाट इज कॉर्नर बेसन? कॉर्नर बेसन बेसिकली एन एक्सटेंडेड अर्बन एरिया टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ सर्वल टाउन्स मर्जिंग विद दी सबर्ब्स ऑफ अ सेंट्रल सिटी। जैसे आप मान लीजिए कि आप जिस सिटी में रह रहे हैं, एक तो आपका पुरानी सिटी होगी कि पुराना शहर होगा। जैसे मैं लखनऊ का एग्जाम्पल देती हूँ, एक तो होता है लखनऊ, पुराना लखनऊ, जो एक कोर सिटी थी, जो राजा महाराजाओं के वक्त में बसाया गया होगा। आज की डेट ऐसी रही होगी कि लखनऊ का बहुत एक्सटेंशन हो गया होगा, ग्रेटर लखनऊ बन गया होगा, कि उसके आसपास के एरिया भी धीरे धीरे एक्सटेंड हो गए होंगे और जो पुराने एरिया थे उसको उसने मर्ज कर लिया होगा। कई बार हम ऐसा सुनते हैं ना कि अब तो वो एरिया को भी उस तहसील में मर्ज कर लिया गया है, या इसको हमने इस सिटी के अंदर मर्ज कर लिया गया है। तो जहां पे मर्ज हो रहा है, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है अर्बन एरिया का, उसको हम आपके काउंटर सॉरी कॉर्नर बेसन के नाम से जानते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी सक्सेस नेट JRF टेलीग्राम चैनल पे, जो कि क्लास होते ही आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस आज की क्लास के लिए। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी क्लासेस होती हैं। मैं फ्री क्लास भी लेती हूं और पेड क्लासेस लेती हूं। पेड क्लास मैंने अभी जस्ट स्टार्ट करी है, एक सेशन हुआ है इसका केवल, क्योंकि मैंने अभी बैच स्टार्ट कर दिया है दिसंबर वाली एग्जाम के लिए, जिसका हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। तो इस फाउंडेशन कोर्स की यूनिट नंबर 2 में करवा रही हूँ, क्लाइमेटोलॉजी। सिर्फ एक सेशन हुआ है, आप अगर चाहें तो आज ही अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और चैट बॉक्स में भी लिंक है, वहां पे जाएंगे सीधा सब्सक्रिप्शन लेंगे। और सब्सक्रिप्शन पे मैक्सिमम ऑफ पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड है UGC10, जो आप कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरी प्रोफाइल को भी फॉलो आप कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं सब्सक्रिप्शन के, तो पेपर 1 एंड पेपर 2
दोनों गाइस आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पे मिल जाएगा। सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको पेपर वन एंड पेपर टू मिलेंगे, जितने टॉप एजुकेटर्स हैं उन सबकी क्लासेस मिलेगी। तो अगर आप लेना चाहें तो 12 महीने की जो फीस है वो रेफरल कोड UGC10 लगाने के बाद में 14,000 समथिंग है। आप आइकॉनिक लीजिए, प्लस लीजिए, जो भी आप लेना चाहते हैं, इजीली EMI अवेलेबल है। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं क्योंकि गाइस अपने पास में टाइम नहीं है, इस एग्जाम को होने दो, हमें प्रिपरेशन करनी है नेक्स्ट एग्जाम की। तो जुड़ना जो भी चाहते हैं मेरे साथ में जुड़ सकते हैं, और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त रेफरल कोड UGC10 आप लगा सकते हैं। कोई बात नहीं, बिल्कुल मैं फ्री क्लास स्टार्ट करूंगी अब धीरे धीरे थोड़ा, क्योंकि अभी प्लस में देखो, प्लस में क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा कंटेंट का इशू रहता है, तो अभी मैं थोड़ा प्लस का कंटेंट रेडी कर रही हूँ, इस वजह से मैं स्पेशल क्लासेस का मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही मेरा कंटेंट रेडी हो जाएगा, कब सारा कंटेंट, तब मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूंगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कल गाइस संडे है तो कल की अपनी क्लास नहीं है, मंडे को हम हमारे आगे के टॉपिक्स की हम स्टार्टिंग करने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। टेक केयर, बाय।